रमजान आ गया है, रमजान आ गया, रहमतों बरकतों का सामान आ गया। रमजान आ गया है, रमजान आ गया, गरीबों की यतीमों की मदद करो, दुखियों के दिलों को तुम शाद करो। रमजान आ गया है, रमजान आ गया, रहमतों बरकतों का सामान आ गया। बेसहारों के भाइयों सहारे बनो, मुस्तफ़ा और खुदा के प्यारे बनो। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया, रहमतों बरकतों का सामान आ गया। दिलों को अपने ज़रा तुम कुशादा करो, खैरात और सदका ज़्यादा कर। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज काफ़ी दूर है, काफ़ी जी है, इधर रहती है, उनके पास आए हैं, तो चलते हैं उनके पास और बातचीत करते हैं, आप उनकी बातचीत सुनाते हैं। जो घर है ये आपका अपना नहीं है, ये काम करते हैं उन्होंने दिया हुआ आपको। एक ही कमरा है, हाँ अभी हम ना आपके पास आए हैं, तो आप अपने बारे में बताएं, तो क्या परेशानी है, क्या मसाइल है आपके? माड़े बंदे हैं, गरीब बंदे हैं। अच्छा जी, साई मेरा जेड़ा वो किसी का काम करता है। अच्छा, जो आपके शोहर हैं? हाँ जी। तो किसी के साथ काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तनख्वाह थोड़ी दिन दिन नहीं गुजारा होता। अच्छा, इतनी तनख्वाह ना, 3 लाख कर्जा है साढ़े उत्ते। 3 लाख कर्जा है? हाँ जी। वो कर्जा क्यों आपके ऊपर चढ़ गया? और ना 7000 तनख्वाह सी थोड़ी, ते फिर 7000 नाल साडा घर दा ही नहीं सरकार चलता है। अच्छा जी, या कोई खुशी गमी आंदी है थोड़ा सा लै लो लेंदे अस पैसे थोड़े बाद ही उधार ही। अच्छा। और फिर एवं करद करेंद साढ़े उत्ते 3 लाख रुपया बन गया ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ,
घर का सही सर्कट नहीं चलता, तनख्वाह थोड़ी है। कितने बच्चे हैं आपके? चार बच्चे ने, तीन कुड़ियां थे, एक मुंडा। एक बेटा है आपका? हाँ जी, एक बेटा। तो स्कूल जाते हैं? नहीं जी, ऐनी गुंजाइश नहीं है स्कूल भेजने। स्कूल नहीं भेजती आप? नहीं। क्यों? बस गुंजाइश हो तो कर लीजिए। उनसे घर का निजाम नहीं चलता सही तरह? नहीं जी, नहीं चलता, बस औखा ही है, माड़ा मोटा ही है गुजारा करना। अच्छा, तनख्वाह बहुत थोड़ी है ना। माड़े बंदे फिर की करिए, खाली फीटर डाला हुआ है। हाँ जी, लालच में लगा हुआ बच्चा। हाँ जी, सारे उरे लगा रहा फीटर। इसके अलावा और भी कोई परेशानी है आपकी? हाँ जी, हाँ जी, परेशानी है जी, ये जो बच्चा है ना जी, ये सानू बहुत ज्यादा परेशानी है। क्या हुआ इस बच्चे को? इधर जी वड्डे पेशाब इत्थों करदा पोटी। ठीक है, किस जगह से? इत्थों करदा उतारे तो पट्टी ਤਾਰ ਦੇ ਪੱਟੀ ਪੱਟੀ ਕੀ ਉੱਪਰ? ਹਾਂਜੀ, ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਥੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਪਦੈਸ਼ੀ ਸੇ ਐਸੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਦੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਡੇਢ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਡੇਢ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਿਆ। अच्छा, डॉक्टरों ने यानी कि ऑपरेशन बताया था? हाँ जी, डिप्रेशन से ठीक हो जाएगा? हाँ जी, ऑपरेशन ना के भी सही हो जाए। अच्छा, लेकिन पैसे का तो मसला बन गया, गुंजाइश नहीं है, फिर घरे आ गए। प्राइवेट नहीं चेक करवाया आपने? नहीं, प्राइवेट कोई नहीं लेके गए आज। बस जी, बड़ी परेशानी है आपके लिए? बहुत ज्यादा परेशानी, सारी दिहाड़ियां दे कपड़े तो तेन तो ਮੈਂ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਦਰਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖੂਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਓ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਆ ਸੀਧਾ ਸੋਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰਵਟ ਲੈਤਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਇਸ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਬਤਾਈ ਲਗਾਏ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਚੋਲਾ ਜਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਟੇਂਗੇ ਸਭ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜੋ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਅੰਦਰ ਜਾਸ। अच्छा, अंदर करेंगे इसको? हाँ जी, ये अंदर है ना बड़े पेशाब वाले। अच्छा अच्छा, वो बाहर आ गई है? हाँ जी, ये हुण उन्होंने ऑपरेशन जब किया फिर इनू अंदर करेंगे थल्ले वाले रस्ते पे। अच्छा, फिर ठीक जाके होवेगा। तो नहीं बीमारी है, अल्लाह रहम करे जी, बच्चे पर बेचारा छोटा सा बच्चा है। कितनी उम्र है जी इसकी? 5 साल। 5 साल हो गए, यानी कि ये तकलीफ देखते हुए बच्चे को भी जा। और इसके साथ आप भी इसका ये दुख देख रहे हैं जा। सुना रहे हैं इसको, परेशानी तो बहुत ज्यादा है सानू ये बच्चे को। आपको मां तो आप इनको सुनाता है इस बच्चे को जा, मैंने देखा कि कुछ हो रहा है बच्चे को। बच्चे इसका ना लाजमी ऑपरेशन करवाएं,
तो उसका तो हल होना चाहिए, तो बड़े परेशानी है आपको। तो फिर ऊपर इसके आप पट्टी कर देते हैं? हाँ जी, हेड देते हैं ऊपर। कपड़े की पट्टी उतर ला दी गई है ना, कपड़े की पट्टी खराब हो जाती है, फिर उतार देते हो? हाँ जी, सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। सारे कपड़े खराब हो जाते हैं? तो कमीज ही खराब हो जाती ना, थलो कच्ची भी। हाँ, तो पट्टी ऊपर नीचे होती रहती है ना, इस वजह से। माह रमजान जा रहे हैं, तो नहीं ना, नहीं जी को नहीं रखते, ऐनी मिलियाश नहीं होती, राशन पानी। राशन पानी नहीं होता, इसलिए रोजे नहीं रखते। हाँ जी, चलो फिर हम आपको रमजान पैक दे रहे हैं जी। हाँ, उसमें है काफी सारी चीजें, तो फिर आपने रोजे रखे। ठीक है, इंशाल्लाह जी रखेंगे। नमाज पढ़नी है, पांच वक्त की नमाज पढ़नी है जी। दुआ करनी है अल्लाह ताला के बेटी की मुश्किल आसान करेगा जी। इंशाल्लाह रखेंगे जी। और तुसी दे रहे हो राशन सानो, रोजे रखने है, नमाज पढ़नी। ठीक है, रोजे भी इंसान रोजा नमाज जरूरी है जी। नमाज भी फर्ज है और रोजे भी हमारे ऊपर फर्ज है जी। बिल्कुल जाओ नहीं जी, फिर इंशाल्लाह रखेंगे। तो मोहतरम सामीन, आपने इस आपी जी की इस फैमिली की सूरत हाल देखी है, तो काफ़ी गंभीर हालात हैं इनके जी। आपने इनका कमरे की भी सूरत हाल देखी है कि इनके बिस्तर तक सही तरह से नहीं है। चार पाइयाँ भी ये कह रहे हैं जिनका हम काम करते हैं उन्होंने दी हुई हैं, वो भी काफ़ी टूटी फूटी पड़ी हैं, सही नहीं है। और सबसे बड़ी परेशानी इनके अपने बेटे की है। आपने भी इनकी सूरत हाल देखी है, उनके बेटी का जो है पखाना करने वाली जगह, वो जहाँ एक ज़ख्म हुआ है वहाँ से वो खाना करता है, तो डॉक्टर ने उसका हाल जो है प्रेशर बताया है। इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है, ये तो कहते हैं कि हम तो मकरूज़ हुए पड़े हैं। तो इनके जो शोहर हैं उनकी थोड़ी सी तनख्वाह है, उससे इनका घर का जो निज़ाम है, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, वो बड़ी मुश्किल से चलता है इनका निज़ाम खाने पीने का, तो उसका ये ऑपरेशन ही करा सकते, इसलिए वो इनका जो बेटा है वो भी मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, तो ये भी उसकी वजह से परेशान है और मुश्किल में है। तो बड़े ही मुश्किल हालात हुए पड़े हैं काफ़ी। ये तो गरीब फैमिली और मुस्तहक फैमिली है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज इन तक पहुँची है, इनकी बातचीत सुनी है और आप लोगों को सुनाई है। आपने भी सारी सूरत हाल देख रही है, तो इसलिए इस आपी जी की हम कुछ मदद करते हैं जी। आपी जी ये रख लें जी आप, ठीक है जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही आपके लिए आए हैं, तो हमने आपको पहुँचा दिया जी, ठीक है जी। तो उसके साथ ही हम ना आपको राशन भी दे रहे हैं जी, लोगों के लिए भी दे रहे हैं। आप कहते हैं रोज़े कैसे रखें कि हमारे पास सहरी इफ्तारी का ही सही इंतज़ाम नहीं होता, आपने आप इसको इस्तेमाल करना है, ले आए जी। भाजी इसके अंदर है, इसके अंदर ना ये रमज़ान पैकेज है, रमज़ान पैक है, इसके अंदर रोज़ों का अफ्तारी का है जी, इसके अंदर आपका इसके अंदर राशन है, ठीक है, घर के इस्तेमाल करने का, ये फल फ्रूट है भी, ठीक है, ये भी आपने रोज़ अफ्तार करें, इससे बच्चों का छोटे छोटे बच्चे हैं आपने बच्चों को खिलाना है जी। तो अल्लाह ताला जी आपके हाल पर रहम फरमाए जी, करेंगे जिन्हें साड़ी मदद की है जी, अल्लाह उन्होंने चोखा देवे, अल्लाह उन्होंने दे रोजी बरकत पावे। आमीन जी, आमीन सुमा आमीन जी। बिल्कुल ये देख लें, इस तरह की सूरत हाल है मोहतरम सामीन, इस तरह की फैमिली की लाजमी हेल्प होनी चाहिए, मदद होनी चाहिए। तो कितने ये तकलीफ में हैं, ये दुखी फैमिली है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इनके काम आए हैं, इन तक पहुँचे हैं। और वो लोग, वो इंसान भी कितना खुशकिस्मत है, मुबारकबाद के हकदार है कि जो इस तरह के फैमिली का ख्याल कर रहा है, इनका हक इन तक पहुँचा रहा है, अल्लाह ताला उसको मज़ीद तफीक से नवाजे और उसके माल में बरकत दे, उसके जानो माल में बरकत दे, उसकी औलाद को नेक बनाए। आमीन सुमा आमीन। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।